यहाँ मक्खी मच्छर को मारते हैं, हाँ जी, ये इन सेल को हमको मारा करते हैं क्योंकि इन्हें। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम आए हैं नेशनल सिल्क एक्सपो में, जो लगा हुआ है अपैरल हाउस सेक्टर 44 गुड़गांव में। तो यहाँ बेसिकली सिल्क से रिलेटेड सारे कपड़े मिलेंगे। तो चलो आज मैं चलता हूँ और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं गाइस। बाहर जो मेन गेट वगैरह वो सारी चीज़ें दिखाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिस है, तो इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। और आपको चलो अब अंदर मेन सिल्क स्टोर में लेके चलते हैं और सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ से मेन एंट्री है और एंट्री करने से पहले सबसे यहाँ पे बाहर है ये आपको पता ही है, ये जो क्या कहते हैं इन्हें, मुखवास। मुखवास तो ये भैया तो कह रहे हैं इन्हें मुखवास कहते हैं, पर ये लगा लो ये माउथ फ्रेशनर। बेसिकली छोटे बच्चे जो ज़्यादा पसंद करते हैं, सब करते हैं, हाँ सच बात है। ये वाली जो टोपियाँ और ये सब सारी चीज़ें, तो आप अगर यहाँ पे आओ तो ये भी खा पी सकते हो और ख़रीद सकते हो। तो चलो बाकी अब मैं अंदर सिल्क स्टोर में लेके चलता हूँ आपको। तो ये मेन एंट्री है, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टोर है रिप्स क्रिएशन, बस प्योर सिल्क हैंड, साड़ी और सूट है। साड़ी और सूट, तो प्राइस रेंज क्या है आपको, किस रेंज? हमारा सारा प्योर में होता है, प्योर में होता है। हाँ, तो स्टार्टिंग रेंज क्या है? स्टार्टिंग रेंज है 7,000 to 80,000 तक जा सकती है। ठीक है ठीक है। तो और आपका बेसिकली ये कौन सी जगह से है? प्योर बनारस। प्योर बनारस, प्योर बनारस सिल्क। ठीक है ठीक है। कटान सिल्क, खट्टी, शिफॉन, जॉर्जेट, टेसर, फिर उसके बाद एज वेल एज टिश्यू, ओके, ये ऑर्गेंजा, प्योर ऑर्गेंजा डिजिटल प्रिंट, फिर उसके बाद प्योर कटान सिल्क, कड़वा वर्क, दिस इज प्योर मूंगा सिल्क। तो ये प्योरली हैंडमेड होते हैं मैम? हैंड वूवन है, हैंडमेड है, एंड एज वेल एज दिस वन इज कड़वा वर्क, मींस हैंडमेड, कड़वा, हैंडलूम एंड हैंडमेड, दिस इज हैंड, ओके ओके ओके, प्योर हैंड, दिस इज प्योर क्रेप शिफॉन, दिस इज प्योर शिफॉन विद वाटर जेली, ओके। तो चलो गाइस आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे साउथ इंडियन सिल्क साड़ी, ये भी बेसिकली सारा साड़ी सिल्क है, प्योर सिल्क सब है ना। और ये है कंथा वेस्ट बंगाल, ये सब भी वही है सिल्क। ठीक है। और ये भी सिल्क से बने हुए बैग अंकल? ये कॉटन का बना हुआ है, हैंड, अच्छा अच्छा, हैंडमेड है ये गणपति जी का, हैंड बाटिक है, उसके ऊपर कांथा का स्टिच किया हुआ है। ठीक है। ये कितने का है? 500 का। ये सब दुपट्टा है, ये सब, अच्छा ये दुपट्टा है। दुपट्टा इसकी क्या रेंज अंकल जी? 2000 से लेके 20,000 तक, 2000 से लेके 20,000 तक। और साड़ियाँ सब अलग अलग, ये साड़ियाँ सब हैं। ठीक है ठीक है। ये सब कांथा स्टिच का सब है, हैंडमेड है। ठीक। जो रविंद्रनाथ टैगर का जो विश्वविद्यालय है ना, हाँ जी हाँ जी, वो वहीं का है। अच्छा ये वहीं का ही है, वहीं का ही बना हुआ है। ठीक है ठीक है। पहले आप लोग गुजरी बनाते थे ना, नाना दादी लोग जो, हाँ हाँ हाँ, गुजरी बनाते थे, हाँ जी हाँ जी, तो उसी को मॉडिफाई किया है रविंद्रनाथ टैगर ने। ठीक है। उसको बना के उसी चीज को ये बनाया, उसको मॉडिफाई करके कांथा स्टिच बनाया। ठीक है ठीक है। ये देखें सारे टोटली हैंड, हाँ जी हाँ जी। तो गाइस चलो अब आगे चलते हैं। ये है भारत हैंडलूम और इस साइड है ये कंचीपुरम सिल्क साड़ीज, नेहा कांजीवरम सिल्क, और ये इस साइड है अपने गुड़गांव के पास ही नाजाकट कमला नगर दिल्ली। मैं चंदेरी आई हूँ। चंदेरी, अच्छा वो क्या होता है वैसे? चंदेरी आएगा। अच्छा अच्छा। ये आपका बाटम आ गया, ये सारा गोटा पत्ती ना करता है। तो ये भी हैंडमेड ही होता है? हाँ जी। अच्छा प्योरली, तो ये दिल्ली में ही होता है सब हैंडमेड? ये सर हमारा अलग बाहर होता है, ये होता है हमारा पंजाब में। और इनका प्राइस रेंज क्या है मैम? ये 1500 की रेंज है सर। तो गाइस नेक्स्ट ये भी रियल सिल्क बनारस, रिच साइड उन्नति सिल्क क्रीम, सब बनारस का ही है सामान। भागलपुर बिहार, भागलपुर बिहार, yes. अच्छा वहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है सर? हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है ठीक है। अनन्या के नाम से, अनन्या हैंडलूम, अनाया हैंडलूम। तो आपकी क्या प्राइस रेंज स्टार्टिंग है? स्टार्टिंग प्राइस हमारा 1200 से स्टार्टिंग है। 1200 से स्टार्टिंग है और एंड कहाँ तक है? एंड हमारा सर 6000 तक। 6000 तक। ये बैम्बू सिल्क है सर, ये डिफरेंट साड़ी से बिल्कुल हैंड बैम्बू सिल्क। तो मतलब ये नाम बैम्बू सिल्क, मतलब इसमें बैम्बू वाला, इसको बोलते हैं बांस के कपास से बनती है। अच्छा बांस के कपास से बनती है ये।
ठीक है, साड़ी रेडी होने में सिर्फ 1 डेज लगता है। कितना टाइम लगता है? 1 डेज। 1 डेज ठीक है, ठीक है। 6.5 मीटर साड़ीज विद ब्लाउज पीस। विद ब्लाउज जी, ब्लाउज पीस इसके अंदर? हाँ, विद ब्लाउज में जो ब्लाउज आएगा वो रनिंग ब्लाउज आएगा। ये जो ब्लैक वाली है किस रेंज में? ऑर्गेन्जा है वो 28 की है मैम, 2800। 2800 की ऑर्गेन्जा। ये डेली वियर के लिए ऑफिस वियर नॉर्मल कहीं भी इसको पहन सकते हैं, गिफ्ट वगैरह करना। हाँ जी, हाँ जी। ये है उज़्मा सिल्क बनारस, यहाँ पे अभी गए हुए ज्यादातर बंदे। लद्दाख यूनिक क्राफ्ट कश्मीर नरगिस क्रिएशन बनारस। तो गाइस नेक्स्ट है यहाँ पे भागलपुरी बिहार से, तो ये सारा भागलपुरी प्रोडक्ट। हाँ, भागलपुरी का है ये, सब ड्रेस मटेरियल है। क्या है ये सब? ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट कुर्ता है। अच्छा अच्छा, इधर ये बाटिक में साड़ियाँ हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, सूट्स हैं इधर ये। अच्छा, कंप्लीट सूट। क्या प्राइस रेंज स्टार्ट है भैया? स्टार्टिंग सर 1000 से स्टार्टिंग है। 1000 से स्टार्टिंग है और एंड कहाँ तक है सर? 2000 तक। 2000 तक है मीडियम में। और इधर ये सब सिल्क में साड़ियाँ हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस चलो आगे चलते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे प्राइस रेंज वगैरह क्या है मैम और क्या क्या चीज़ें? रीजनेबल प्राइस है। हाँ जी, सब कुछ प्योर में है। प्योर बनारसी खड्डी, जॉर्जेट खड्डी, ठीक है। लहरिया प्योर कतान सिल्क, ठीक है। प्योर ब्रोकेड जाल, ठीक है। सिल्क बाई सिल्क, ठीक है ठीक है। ऑर्गेंजा सिल्क, ऑर्गेंजा सिल्क, ठीक है। प्योरली हैंडमेड, पूरा हैंड वीविंग है, ठीक है। प्योर बनारसी मूंगा सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। और प्राइस रेंज आपने बताया किससे स्टार्टिंग है? 7000 और एंडिंग कहाँ तक है? एंडिंग 2 लाख तक। 2 लाख तक, तो 2 लाख वाली दिखाओ सबसे पहले, कौन सी है? ये ब्रोकेट वाली आप देखो, ठीक है। ये जो ये ब्लैक के साथ में है, तो गाइज ये वाली है 2 लाख रुपीज़ की। तो इसमें ऐसा क्या स्पेशल है मैम 2 लाख का? ये पूरे हैंडलूम की हैंड वीविंग साड़ी से। अच्छा अच्छा, और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? 3-4 मंथ्स। 3-4 मंथ्स लगते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। कॉटन का? अच्छा, ये राजस्थान का है। राजस्थान का, ठीक है ठीक है। आप राजस्थान से आए हो मतलब ये सारा सामान, ठीक है। तो प्राइस रेंज क्या स्टार्ट है? 1500 कॉटन में, प्योर कॉटन में। ये प्योर कॉटन में 1500 का, 1500 एक किलो आता है, ठीक है। तो ये हैंडमेड होता है या मशीन मेड? ये हैंड प्रिंट होता है। अच्छा, हैंड प्रिंट होता है ये सारा? राजस्थान का प्योर कॉटन का, प्योर कॉटन का 1500 का। 1500। और ये एंडिंग कहाँ तक जाती है? ये अब जाता है 3500 4000 तक। 3500-4000 तक, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये आई थिंक क्विल्ट होगी ये? हाँ, इसका 3500। ये 3500 का है, डबल में रहता है, डबल में रहता है। तो भाई यहाँ पे प्योर, अच्छा ये रजाई वगैरह है? रजाई वगैरह 1500-2000, ठीक है। प्योर कॉटन में है सारी चीज़ें? तो गाइस ये प्योर कॉटन में सारी चीज़ें और प्राइस रेंज भैया ने बता दी। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे अंकल जी मिले हमें, तो आप किस चीज़ में अंकल जी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा हमें बता दो। हाँ, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ट्राइब्स की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है ठीक है। जितना रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के पास टैक्सेस का, वो डेवलपमेंट के लिए कंट्री के लिए लगाना एक इंटरनेशनल लॉ है। उस डेवलपमेंट के अंडर जो हमारे इंटीरियर्स के ट्राइब्स हैं, जिनके यहाँ सिल्क वॉर्म तो था लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल वो कट ऑफ थे इस वर्ड से, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि वहाँ से धागा कैसे निकाला जाता है। पहले ये क्या करते थे, जैसे हम यहाँ मक्खी मच्छर को मारते हैं, ये इन सिल्क वॉर्म को मारा करते थे, क्योंकि इन्हें नॉलेज ही नहीं थी इसमें से कुछ वो प्रोड्यूस निकाल सकते हैं जो उनको ब्रेड एंड बटर दे सकता है, जो उनको शेल्टर दे सकता है। तो जब एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जब उनको ये चीज़ पता लगी तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को अप्रोच किया। तो हम थे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, तो हमारे को लेके गए वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में वहाँ से धागा निकालने के लिए। जब हमारी वो चीज़ तैयार होकर मार्केट में आ गई है, तो हम सिर्फ एग्जीबिशंस में ही, क्योंकि इनका स्टॉक बहुत कम निकलता है, तो हम सिर्फ एग्जीबिशंस में ही एग्जीक्यूट करते हैं। जितने का स्टॉक आता है उसका 50% तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी होती है उस एरिया को डेवलप करने के लिए। तो कस्टमर को उसका सिर्फ 50% देना होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम 20 रुपये पानी की बोतल खरीदते हैं तो फैक्ट्री से तो 2 रुपये की चलती है, ठीक है। वही हिसाब है, अगर हमारी 4000 की साड़ी बन के तैयार होती है तो कस्टमर को उसका सिर्फ 2000 देना होता है, ठीक है। 2000 गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी होती है, ठीक है। लेकिन 4000 वाली चीज़
मार्केट में जो है 11,000-12,000 की रिटेल में भी। हाँ जी हाँ जी। देखो दो कंसेप्ट आते हैं, एक तो आता है बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस, एक आता है डी टू सी डायरेक्ट टू कस्टमर। तो हमारा ये कंसेप्ट है डायरेक्ट टू कस्टमर का, और उसका भी हाफ पेमेंट लेंगे। ठीक है। जैसे आप मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ। हाँ जी। अब ये जॉर्जेट के ऊपर है। हाँ जी। पूरा धागे से काम किया गया है, इसकी हमारी जो कॉस्टिंग है 9600 की है। ठीक है। कस्टमर को देना होता है 4800, और ये मार्केट के जो हमारे को इसको वैल्यू आई है वो 27,000 की आई है। ठीक है। मतलब 27,000 की साड़ी कस्टमर को यहाँ 4,800 में मिले। और ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। हाँ, इनिशिएटिव है टू डेवलप दैट एरिया। अच्छा, उसके पीछे भी हमारा मकसद होता है, 5 साल अगर हमने मान लो एक एरिया को डेवलप करने के लिए लगा दिए, 5 साल गवर्नमेंट ने अगर पैसा दे के लगा दिया, जब वो डेवलप हो गया तो थ्रू आउट लाइफ गवर्नमेंट को वहीं से रेवेन्यू आएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है, एक बार पैसा लगा दिया उसके बाद 5 साल बाद वहीं से गवर्नमेंट को अर्निंग शुरू हो जाएगी, उनकी भी अर्निंग शुरू हो जाएगी, जो वहाँ रहते हैं वो भी मॉडर्नाइज हो जाएंगे और इनका भी काम हो जाएगा। नहीं नहीं, ये हमारा कंसेप्ट होता है। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, ये नॉर्मल पब्लिक को पता नहीं होती ये चीज़ें। हाँ, और गवर्नमेंट इतनी हेल्प करती है चीजों के बारे में, और मतलब हर बंदे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को डेवलप करना ही करना ही करना, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी आ जाए, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट, उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना। बट स्टिल पीपल डोंट नो अबाउट दिस थिंग दैट गवर्नमेंट इज हेल्पिंग इन सच अ वे। नेचुरली। तो थैंक यू सो मच। लोगों को पता लगेगा। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सो मच। ये है फ्रेग्रेंस स्टोर। अच्छा, फ्रेग्रेंस स्टोर। ये हैंडमेड सारी फ्रेग्रेंसेस हैं, नेचुरल हैं, केमिकल फ्री हैं। ठीक है। अल्कोहल फ्री हैं और सब हाथ की बनी हुई है। सब हाथ की बनी हुई है। तो ये आपका मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कहाँ होता है? जनकपुरी में बेस्ड है हम लोग, दिल्ली। और ये मेरे ही अपने हाथ की ही बनी हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी कोई स्टाफ साथ में नहीं है। हाँ जी हाँ जी। नहीं, ये हाँ कह सकते हो अगरबत्ती बिना डंडे की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर फ्लेवर्स हैं मेरे पास बहुत डिफरेंट। आप कभी उधर कृष्ण टेंपल के साथ गए हो? हाँ जी हाँ जी। ट्राई दिस। मतलब डीप स्मेल है थोड़ी। देख, नॉर्मली क्या होता है, आप कहीं भी आप फ्रेग्रेंस लेने जाओ तो आपको वही मिलता है, गुलाब, चंदन, मोगरा, सैंडल, ये गिने चुने 4-5-6 फ्लेवर। हाँ जी हाँ जी। मेरे पास बस वही नहीं है, बाकी सब मिल जाएंगे। जैसे जैसे मिलेगा रजनीगंधा, लक्ष्मी प्रिया, फिरदौस, ऊद, ये मेरा अपना फ्लेवर है साई शहर के नाम से। और ये क्या है? ये है पोटैटो बिस्किट, घर के बने हुए। अच्छा, बिस्किट यार, ये तो खा के पता चलेगा। नहीं, ये मीठे होंगे वैसे। वही तो कह रहा हूँ, ये तो खा के पता चलेगा। चलो ट्राई भी करते हैं, होममेड पोटैटो बिस्किट। कैसे लगे? तो खा के बता दे। एक पैकेट ले लो, एक पैकेट दे दीजिए, वाला दे दूंगा जी। खाने में तो लिटरली टेस्टी है। ये पेंटिंग्स मेरी वाइफ क्रिएट करती है, हेमा मेहरा नाम है उनका। ठीक है ठीक है। तो ये उनकी बनी हुई पेंटिंग। तो ये पेंटिंग्स वगैरह की क्या प्राइस है? डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे ये 600 है। हाँ, मतलब दिस इज फॉर 500, ये 500 है। ठीक है। दिस इज फॉर 900, ये 1700 की है, वो 1100 की है। तो ये भी आपकी वाइफ मतलब? हाँ, ये सब उसी के हाथ का बना हुआ। तो वो कितना टाइम लगता है इनको बनाने में? डिपेंड करता है। जैसे ये वाली जो राधा कृष्ण है, इट हैज टेकन मोर देन 17 डेज। तो अगर आप इसको क्लोज से देखो तो इट्स ऑल ब्रश वर्क। ओके। ये जो कंप्लीट आपकी ज्वेलरी वगैरह है? हाँ जी हाँ जी। ये सारा ब्रश वर्क है। ठीक है ठीक है। हाँ, फिर तो 17 डेज लगेंगे, मतलब एक एक चीज पे फोकस होता है। ठीक है ठीक है। तो थैंक यू अंकल जी। वेलकम जी। चलो चलते हैं अब। चले संगीता? तो सारे स्टोर्स वगैरह मैंने आपको बता दिए, तो चलो चलते हैं। यहाँ पे ये एग्जिट पे कैश काउंटर है और यहाँ पे डिलीवरी ले सकते हैं। तो चलो चलते हैं गाइस। तो गाइस, घर पहुँच गए हैं और हम नेशनल सिल्क एक्सपो में होके आ गए हैं। तो आप भी वहाँ जा सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो। बाकी मैंने ये वीडियो बनाई है 15th of April को, और ये ब्रॉडकास्ट होगी 16th April सुबह 6:30 बजे। तो आपके पास 2 दिन का ही टाइम है, 16 और 17। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो प्लीज़ इस दिन में जाइए और शॉपिंग करके आइए। और आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड गुड नाइट।